शामिल होने के बाद गांव आए तो आप लोग वहाँ स्कूल बैंक से बैठे थे, कई लोग पान के दुकान में गाँव के कई लोग बैठे थे, तो सिद्धार्थ निकल गए ऐसे कांच बंद करे काला फिल्म वाला, तो वहीं को लोग कहे कि देखो ये चुनाव वाला रे यहाँ, अरे हम गांव में आए हो कम रुक जाओ, 10 जन बैठे हैं, शीशा खोल लो, आओ कक्का बाबा आए गए हैं, चलिए अपने बच्चे। तो उन्होंने कहा लागे कि दिखा है कर लतनी पोर के, इस बार त्यूनी में ही बीजेपी को कम वोट मिलेगा, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेगा। हाँ, हमारे वोट देने से वो सिद्धार्थ जीतेगा या हारेगा नहीं, हमको तो यहाँ वोट देना है। टिकट नहीं दिया गया, फिर वो परेशान टाइप के हो गए और सीधे यहाँ से भागम भाग चले गए। जो एक सवाल आप, मैं आपसे पूछूंगा, आप चूंकि सयाने व्यक्ति हैं, सिद्धार्थ जी ने जब दल को बदला और भाजपा में शामिल हुए, क्या वो गांव में आए थे और राय ली थी आप लोगों? नहीं, किसी से राय नहीं लिया, अपने आप मनमानी गए लिए या पार्टी में चले गए, क्यों किसी से राय लेंगे? जो बड़े लोग होते हैं किसी से राय नहीं लेते, बड़े लोग जो कर लें वो नियम बन जाता है, वो छोटों के लिए आपत्ति होती है। बड़े लोग राज ले लिए, काय को राय लेंगे, और उनके जाने से 100% नहीं है कि उन जाने से सब कांग्रेस में बीजेपी में हो जाएंगे। इस बार त्यूनी में ही बीजेपी को कम वोट मिलेगा, कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेगा। हाँ, और जगह है राजगी है उनके जाने, नहीं हमको प्रसन्नता है कि राज वहाँ से जीत जाते हैं, उधर से अपने घर का है, लेकिन भाजपा में जाने, हमारे वोट देने से वो सिद्धार्थ जीतेगा या हारेगा नहीं, हमको तो यहाँ वोट देना है। हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ वहाँ जीते, जो अपने नात रिश्तेदार हैं उनसे कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ को वोट दो, सिद्धार्थ को जिताओ, लेकिन मैं यहीं यहाँ यहाँ नहीं कहूँगा कि त्यूनी में वो बीजेपी को वोट दो, और हर जगह जहाँ जाता हूँ हर जगह कहता हूँ कांग्रेस को वोट दो। मेरा सवाल उनके शामिल होने को लेकर के है कि मतलब जैसे शामिल कुर्सी सब देखता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया अरे और बड़े बड़े उनसे भी जब बड़े महान नेता हैं क्यों मिल जाते हैं, क्यों पार्टी छोड़ दिए? हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वो गांव में आए थे बुजुर्गों के साथ बैठे और फिर राय मशविरा किया कि जो तो मतलब मैं पार्टी छोड़ना चाहते छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना, इतना आनंद पूछ रहे पूछ चीजें ये सब हुई, इतना जल्दी हुआ कि जब उनको टिकट नहीं दिया गया फिर वो परेशान टाइप के हो गए और सीधे यहाँ से भागम भाग चले गए, हो गया वहाँ गए भाजपा से उनको आश्वासन मिला और टिकट भी मिला, चुनाव मैदान में भी है, कोई दिक्कत? शामिल होने के बाद गांव आए, शामिल होने के बाद गांव आए तो आप लोग वहाँ स्कूल बैंक से बैठे थे, कई लोग पान के दुकान में गाँव के कई लोग बैठे थे, तो सिद्धार्थ निकल गए ऐसे कांच बंद करे काला फिल्म वाला, तो वहीं को लोग कहे कि देखो ये चुनाव वाला रे यहाँ, अरे हम गांव में आए हो कम रुक जाओ, 10 जन बैठे हैं, शीशा खोल लो, आओ कक्का बाबा आए गए हैं, चलिए अपने बच्चे। तो उन्होंने कहा लागे कि दिखा है कर लतनी पोर के, वो क्या वो अपने घर में सारी व्यवस्था किए हुए थे बैठने की, व्यवस्था थी साहब जी, जहाँ ऐसे अब हम बैठे हैं चार लोग तो यहाँ वो नहीं रुके, जब वहाँ सबको बुलाए हुए हैं कोई बैठे वो सीधे चले गए और वहाँ गए, वहाँ मीटिंग थी उनकी, सबसे वो मिले, सबसे बोले कि ऐसा हम कर दिए, क्या गलती किए हैं, हमको ऐसा करना चाहिए कि ना करना चाहिए, जितने लोग वहाँ हजारों हजार की भीड़ थी सभी लोग बोले कि आपने अच्छा किया है, वो भी बोले कि अब आप हमारी मदद करिए, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं मैदान में, सब कोई अपने अपने घर से किसी न किसी उससे अपने नात रिश्तेदार उसके अलावा भी जो है, तो हमारे साथ वहाँ सब त्योथर चले और प्रचार त्यूनी से गए हैं लोग वहाँ त्योथर में प्रचार कर रोजाना जाते हैं 200 त्यूनी से जितने लोग जा रहे हैं उसका बुरा असर भी पड़ रहा है, वहाँ कह रहे हैं क्षेत्र में कि त्यूनी वाले आगे जिता लेंगे, त्यूनी वाले वोट डालेंगे कि हम लोग वोट डाले, बात नहीं है कि अब ऐसा नहीं है, हम कुछ लोगों से सुने हैं और बता रहा हूँ सही सही, हम चापलूसी वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, अपना अपना मत है, वहाँ के लोग जिस दिन पर्चा भरे हैं वो जिस दिन पर्चा भरे हैं, तो हम लोग रीवा में थे, वहाँ के लोग त्योथर वाले ये बोल रहे थे कि आप लोग आइए, हम लोग आपको वहाँ आइए और आप लोग प्रचार करिए, त्यूनी वाले जितना कूदेंगे वहाँ उतने वोट कटेगा, हमारे रिश्तेदार स्वयं कहते हैं कि हमारे गाँव का ताबत कूदा था भाई ऐसे जब जीत जाए, लेकिन दादा हमको लगता है कि आप थोड़ा सा सिद्धार्थ जी से नाराज लगे, नाराज है, उसको चाहते हैं कि जीत जाए वहाँ से, लेकिन पार्टी को नहीं चाहता हूँ जीते, यहाँ ना जीते सिद्धार्थ जीते, उनसे कहता हूँ नाद रिश्तेदारों से कि उसको भाई वोट दो, लेकिन ये नहीं कि उसको हम कहते हैं हमारे वोट से जीते तो हम आज भी उसको वोट दें, यहाँ खड़ा होता तो हम आज उसको वोट दें। जब ये बताइए कि जब ये बाबा जी हमारे हैं जब ये कहते हैं अपने नाथ को कि वहाँ भाजपा को वोट दो और वो कहते हैं कि भाजपा को यहाँ वोट दो, दे कहते वो, तो क्या वो दे वो हमसे पूछे हमारा एक रिश्तेदार है पूछे भाई ने पूछा कि न मामा आपका सिद्धार्थ पहचाना था कहा, हम बोले कि सिद्धार्थ हमका नहीं पहचाना है, तो कहीं जब हमारा कौन काम पड़ी तो हम के लगे जाओ,
अपनों के लगे जाओ तो अपनों को नहीं पहचानी, हमको नहीं पहचानी तो हम कह कब वोट दी फिर, तो कहीं ना पहचाने तो नहीं, हम कहने है कब, अब तू जाना समझा भाई, हम नहीं जानी, या कहा कि सिद्धार्थ का जीता है एक बार वहाँ से, लेकिन यह हमने कहा कि यहाँ से बीजेपी जीता कि अंतर जीता है। और अंत में यही सवाल कि जो है तो इस चुनाव को एक पेंशनर के तौर पर आप कैसे थे? पेंशनर के तौर पर नहीं, मतदाता के तौर पर, मतदाताओं से मैं बात करके बोल रहा हूँ, मतदाताओं की मनसा तक समझ के बोल रहा हूँ कि इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ भी मनगवा विधानसभा में बबीता साकेत अच्छे वोटों से जीतेगी, हाँ नरेंद्र प्रजापति वो नहीं जीतेंगे, बिल्कुल हार जाए। तो ये थे कुछ लोग त्यूनी ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा वोट करने और जिन्होंने अपनी राय के माध्यम से त्योथर की, त्योथर के साथ साथ जहाँ पर सिद्धार्थ तिवारी इसी त्यूनी गांव से बढ़े पड़े जो है तो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके राजनैतिक भविष्य के साथ ही साथ मनगवा विधानसभा के राजनैतिक भविष्य को लेकर के भी चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी और साथ ही साथ यह भी उम्मीद करते हैं कि जो जानकारियाँ, जो वास्तविक रिपोर्ट्स हम आपको जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं वो आपको अच्छी लगेंगी। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ, कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं अनुपम मनोज, नमस्कार, धन्यवाद।